एक सीएससी सेंटर खोलकर आप अच्छा खासा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। एक सीएससी शॉप पे, एक सीएससी सेंटर पे कई सारा सर्विस को प्रदान कर सकते हैं और अपना इनकम को बूस्ट कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं। और ख़ास बात है कि सीएससी सेंटर यह गवर्नमेंट का एक संस्था है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एक सीएससी सेंटर ले लेने से आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ई केवाईसी कर सकते हैं, वृद्धा पेंशन का ई केवाईसी, विकलांग पेंशन का ई केवाईसी, विधवा पेंशन का ई केवाईसी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई केवाईसी, मतलब तमाम सर्विसों को आप देकर आप पैसा को जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा इनकम आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आधार में सुधार कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। सीएससी के जरिए ही आता है एक डीजीपे, जिससे आप आधार से पैसा निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं AEPS, आधार के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं और उस पर भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। आधार से कैसा पैसा निकाला जाता है उसका मैंने कम्प्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आखिरकार सीएससी सेंटर कैसे मिलता है। सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको टीईसी सर्टिफिकेट लेना होगा। जब तक आप टीईसी का एग्जाम पास नहीं करिएगा तब तक आप सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप टीईसी के लिए जो अप्लाई किया जाता है तो उसका एग्जाम आप कैसे पास कर सकते हैं। जब आप टीईसी के लिए अप्लाई करिएगा तो वहां पर भी आपको मटेरियल मिल जाएगा एग्जाम को तैयारी करने के लिए, अपने प्रिपरेशन को करने के लिए। उसमें आपको हिंदी वीडियो और इंग्लिश वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलता है जो कि इंग्लिश फॉर्मेट में होता है। टीईसी का यदि आपको एग्जाम देना है और एग्जाम पास करना है तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है यदि आप टीईसी का एग्जाम देना चाहते हैं। इसमें दो एग्जाम के लिए कॉन्टेंट दिया गया है, एक टीईसी और दूसरा IIBF का भी इसमें परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट दिया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। हम लोग बात करते हैं टीईसी के, तो इस पे टीईसी को हम लोग चूज करेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर टेक फाइनल परीक्षा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा लेवल मिलेगा, इसी के थ्रू आपको तैयारी करना है। एक लेवल खुल जाएगा तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा लेवल ऐसे करके खोल सकते हैं और अपने नॉलेज को यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल को खोलेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करेंगे। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है, डी नंबर। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है, एक रेस्टोरेंट आप ओपन करिएगा किसी शहर में तो उद्यमशीलता का उदाहरण है। 92% स्टार्टअप 3 वर्षों के भीतर सफल हो जाता है, ये बात गलत है, फॉल्स होगी। एक नए विचार के साथ नए उद्यम शुरू करना उद्यमशीलता कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ इस टाइप से आपको सभी का आंसर दे देना है। जब आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख जाएगा, कैसा आपका परफॉर्मेंस है, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हुए हैं, कितना परसेंट आपका सही स्कोर है। और यहाँ पे आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं आप किस पोजीशन पे अभी खड़े हैं। कुछ इस टाइप से आप टीईसी के एग्जाम देने के लिए यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन गलत होगा यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था और कौन सा सही, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए आप आसानी से टीईसी के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, मेरे पास ऑलरेडी सीएससी सेंटर है, इससे हमको अंदाज़ा है कि कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। यदि अभी भी आपको कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सीएससी से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि चाहते हैं हमसे जुड़ना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।